और चुनावी सरगर्मी, तमाम जो नेता हैं वो सियासी सरगर्मी में जुटे हुए हैं, चुनाव तैयारियों में जुटे हुए हैं, अलग अलग तरीकों से वोटर्स को लुभा रहे हैं नेताजी। जल्द बीजेपी के उम्मीदवारों का ऐलान होगा। बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। कांग्रेस में भी उम्मीदवारों को लेकर मैराथन शुरू हो चुकी है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसके सिर सजेगा हरियाणा का ताज, 21 अक्टूबर को वोटिंग और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि दोबारा कमल खिलता है या जनता हाथ का साथ अपनाती है, इनेलो कुछ कर पाएगी या जननायक जनता पार्टी कुछ कर पाएगी। बहरहाल तैयारियां उम्मीदवारों की पूरी हैं, अपने अपने स्तर पर संभावित उम्मीदवार वोटरों के बीच पहुंच रहे हैं, वोटों की जुगाड़ कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, अपने कामों को गिना रहे हैं, अपनी पार्टी की साख रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, सभी ताल ठोक रहे हैं सियासी समर में। मैराथन बैठकों का दौर भी जारी हो चुका है। कल ही कांग्रेस की बैठक भी हुई, इलेक्शन कमेटी की बैठक, अलग अलग एजेंडों पर चर्चा हो रही है, कहां से कौन सा उम्मीदवार उतारा जाए, किस उम्मीदवार में विनेबिलिटी फैक्टर है, किसकी साख है जनता के बीच में, इन तमाम बातों पर पार्टी विचार कर रही है। ...2014 में बंपर जीत के बाद यह पहला टेस्ट है 2019 में विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी के लिए। 47 से अब 75 प्लस का टारगेट बीजेपी के लिए। अनिल कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनिल, सियासी घमासान तेज और उम्मीदवारों को लेकर हर दल मंथन कर रहा है। जी पूजा, बिल्कुल आज जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन हो जाएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन होगी उसी समय से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 4 सितंबर तक चलेगी और 5 सितंबर को जो है नामांकन पत्रों की जांच होगी और 7 सितंबर को उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने का इच्छुक ना हो वो अपना नामांकन पत्र वापस ले सकता है और 21 सितंबर को मतदान होगा और 24 सितंबर को मतगणना होगी और 27 सितंबर तक मतदान की पूरी प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाएगी और राजनीतिक जितने भी दल हैं वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे इनेलो हो और चाहे भाजपा हो, सभी जो है उम्मीदवारों को लेकर मत्थापच्ची कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि 30 तारीख तक कांग्रेस और भाजपा की जो है पहली सूची जो आ जाएगी। क्योंकि चलिए तस्वीरें हम कांग्रेस किस समय दिखा रहे हैं, अशोक तंवर दिख रहे हैं तस्वीरों में, जिक्र पहले कांग्रेस का ही कर लेते हैं। अनिल, कांग्रेस के लिए चुनाव बहुत बहुत अहम है क्योंकि हमने देखा कि 5 साल लगातार गुटबाजी में फंसी रही कांग्रेस। ऐन मौके पर बदलाव होता है प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते, लेकिन बदलाव का क्या असर होगा सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि कल दिल्ली में बैठकें हुई कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की और दूसरा अशोक तंवर ने अपने खुद कार्यकर्ताओं की एक अलग बैठक ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यानी कहीं ना कहीं संकेत साफ है, गुटबाजी खत्म नहीं हुई है और ये गुटबाजी भारी पड़ सकती है कांग्रेस पर। जी पूजा, बिल्कुल, जिस समय अशोक तंवर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो हुड्डा अलग विधायकों की बैठक बुलाया करते थे और उसी पैटर्न पर अशोक तंवर भी चल रहे हैं। तंवर भी अलग अपनी बैठक बुलाते हैं और ये कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है एक लोकसभा चुनाव में भारी पड़ी थी और अगर यही हाल रहा तो विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। और जहाँ तक गुलाम नबी आजाद जब हरियाणा आए थे तो उन्होंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री उपेंद्र सिंह हुड्डा जो है इन्होंने सरकार चलाई है, मौका देना चाहिए, लेकिन उसके बाद ही प्रक्रिया जारी होगी कि अभी तक जो है मुख्यमंत्री बाद में डिसाइड किया जाएगा। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में असमंजस की स्थिति पैदा हुई है और अभी हाल ही में हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने भी कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जो है मुख्यमंत्री का चेहरा जनता के सामने ले आएगी, यानी कि अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा
जनता के बीच लेके आती है, तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री के मनोहर लाल खट्टर हैं जो भाजपा के मुख्यमंत्री के चेहरा है, उधर से भाजपा के जो है दुष्यंत चौटाला है मुख्यमंत्री का चेहरा है। अगर कांग्रेस भी किसी का नाम घोषित कर देती है तो ये मुकाबला आने वाले दिन में काफी दिलचस्प हो सकता है। लेकिन अनिल, ये कांग्रेस पंजा तो तब लड़ाए जब अपनी लड़ाई से वो फारिग हो। लोकसभा इलेक्शंस की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस की क्या स्थिति थी? 28% वोट और 7 सीटों पर महज बढ़त मिली थी। एक बड़ा अंतर है बीजेपी, चूंकि जो 58% जिसे मिला था और 89 सीटों पर बढ़त थी, उसके कंपैरिजन में कांग्रेस को देखें तो बहुत पीछे है कांग्रेस, और जो तैयारी चल रही है कांग्रेस की वो भी बहुत पीछे। जी बिल्कुल, कांग्रेस में जो बदलाव हुआ है काफी लेट हुआ है। अगर ये बदलाव पहले हो जाता तो हो सकता है कि कुछ संगठन में जो है मजबूत हो जाता और जो पार्टी के नेताओं के अंदर है मतभेद जो है दूर हो जाते। लेकिन इस स्थिति में जो है अब अशोक तंवर अलग अपनी राह पर चल रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उपेंद्र सिंह हुड्डा पहले बदलाव होने से पहले ही अपनी रैली कर एक तरह का घोषणा पत्र वो पढ़ दिया है। हालांकि बाद में ये कह दिया गया है कि कांग्रेस देखेगी कि घोषणा पत्र में किस इशू को लेके आना है। इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कांग्रेस में गुटबाजी कितनी बड़ी हुई है। हालांकि उन्होंने कई नेताओं को कांग्रेस में शामिल भी किया है, लेकिन ये देखना होगा कि जो नेता शामिल हुए हैं उनका कांग्रेस को कितना लाभ मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। जी पूजा, एक और, अगर बीजेपी अपने उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है अनिल, तो कांग्रेस तो अभी मैनिफेस्टो को लेकर ही बैठ के कर रही है। हालांकि ये हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव जब हुए थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, तो मैनिफेस्टो के दम पर ही कांग्रेस ने वहां जीत हासिल की थी। क्या ये भी मान सकते हैं एक बड़ी वजह है कि मैनिफेस्टो पर ज्यादा फोकस इस समय कांग्रेस कर रही है, ये एक अस्त्र हो सकता है कांग्रेस के लिए? जी पूजा, बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि अगर घोषणा पत्र सही लोगों के अनुरूप बनाया गया, जो लोगों की समस्याएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अगर घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया और वहीं जो है लोगों को भी कांग्रेस पर विश्वास हुआ तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरह से उन्होंने रोहतक रैली में एक तरह का घोषणा पत्र पढ़ा था, वहीं किरण चौधरी ने कह दिया था कि जो भी घोषणा पत्र में होंगे ये जरूरी नहीं है कि वो सभी मुद्दे लिए जाए, कांग्रेस सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी उसके बाद ही घोषणा पत्र जारी करेगी। यानी कि घोषणा पत्र को भी लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा हुई है, और इसी घोषणा पत्र के को देखते हुए नेताओं के अलग अलग बयान है, यानी कि गुटबाजी हर स्टेप पे कांग्रेस में। चलिए भारतीय जनता पार्टी का भी जिक्र कर लेते हैं अनिल, क्योंकि 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद बम्पर जीत के बाद ये पहला टेस्ट लोकप्रियता का सीएम खट्टर की। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है अपना अनुभव जो है पहले दिखा चुके हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे जींद उपचुनाव हो, उसके बाद लोकसभा चुनाव हो, लेकिन विधानसभा चुनाव का ये अब पहला टेस्ट है मुख्यमंत्री बनने के बाद। और मुख्यमंत्री बार बार दावा कर रहे हैं इस बार 75 पार, और इसी दिशा में काम करते हुए उन्होंने दूसरी पार्टी के नेताओं को भी भाजपा में शामिल किया है। हालांकि मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी कि अपने लोगों का मान सम्मान भी बरकरार रखना है और दूसरों जो पार्टी से बाहर से दूसरे पार्टियों के नेता भाजपा में शामिल हुए हैं उनको भी एडजस्ट करना है, ये एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन मुख्यमंत्री 75 पार का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जब टिकटों का बंटवारा होगा उसके बाद जो है कि भाजपा चुनाव में जाएगी और 75 पार के आंकड़े को हासिल करने का प्रयास करेगी। हालांकि मुख्यमंत्री के लिए ये एक बड़ी चुनौती है और अभी टिकट वितरण करने से पहले भी बनी हुई है अच्छी। हालांकि इस चुनौती में, इस राह में जो एक आसानी है बीजेपी के लिए वो ये है कि विपक्ष तो खंड खंड है, बिखरा हुआ है।
जी बिल्कुल पूजा, जो इस समय विपक्ष की स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। इनेलो को देख लो, इनेलो पहले ही बिखर चुकी है और उसमें जजपा बन चुकी है और इनेलो के कई विधायक जो है इनेलो छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और इसके साथ साथ कांग्रेस की स्थिति भी देख सकते हो आप, भले ही कांग्रेस ने नेतृत्व परिवर्तन कर दिया है लेकिन जिस तरह के कांग्रेस नेताओं के बयान हैं उससे गुटबाजी जाहिर होती है और लोगों को सब पता है कि कांग्रेस की क्या स्थिति है और भाजपा की क्या स्थिति है। और मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव से पहले रोड शो भी कर चुके हैं, उसमें मुख्यमंत्री को भारी समर्थन भी मिला था और लोगों की मुख्यमंत्री ने समस्याएं सुनी, समाधान किया और अपना रिपोर्ट कार्ड भी जनता के बीच में रखा था और कहा था कि मैं आशीर्वाद लेने आया हूं, अगर आपको हमारी सरकार पसंद है तो वोट दीजिए। तो मुख्यमंत्री काफी कॉन्फिडेंस से चल रहे हैं क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भी मुख्यमंत्री के साथ है और लोगों में भी जो है काफी उत्साह है और अभूतपूर्व स्वागत लोगों द्वारा किया गया था। ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और इसी आधार पर भाजपा को भी लग रहा है कि इस बार 75 पार का आंकड़ा वो हासिल कर लेगी। बिल्कुल।